तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है केवल बच्चों के लिए, और आप भी कुछ सीख सकते हो। देखते रहो और जुड़े रहो। तो जैसा कि मैंने बोला था, कलकत्ता में हिस्ट्री में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हीं में से एक हिस्टोरिक प्लेस के पास अपने खड़े हैं, एक्चुअली उसके नीचे खड़े हैं, एंड द लोकेशन इज नोन एज शाहिद मीनार। शाहिद मीनार का पहले एक क्विक टाइम लैप्स देखो वॉक अराउंड के साथ में, फिर आपको उसकी डिटेल बताता हूँ क्यों और किस लिए बनाया गया। शहीद मीनार बनाया गया था 1969 में, और जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के जा रहे थे तो जो लोग इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे उन लोगों की याद में ये स्मारक बनाया गया है। और इसमें यहाँ पर अगल बगल थोड़े बहुत घूमने लायक है, बेंचेस लगे हुए हैं, आइए बैठिए। धूप में तो कौन आएगा, धूप में तो हमारे जैसे यूट्यूब वाले ही आते हैं जिनके पास थोड़ा टाइम का कमी है बट मैनेजेबल है। शाहिद मीनार हाइट मेरे को पता नहीं, हाइट गूगल कर लेना, और कुछ अगर लिंक्स हुए मेरे पास तो मैं नीचे डाल दूंगा, उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हो, और बच्चों को दिखाना ज़रूर, उन्हीं के काम की चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। आपने देखा इसका खासियत वही लोग जानता है जो डेली यहाँ से निकलता है। यहाँ पर फोटो भी थी, फोटो ज़्यादा लोग बहुत मिलता है, अभी भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, चिंता मत करो, वही चल रहा है। अगला स्टॉप है एमपी बिरला प्लानिटोरियम, पीछे है। इसके अंदर में आप तारे देख सकते हैं, दिन में तारे समझ गए तो किसी ज़माने में हम लोग यहाँ आते थे जब हम लोग इस साइज़ के थे, और अभी बच्चों को लेके आ रहे हैं। चलो देखें, शो शायद 1:15 पे है, संडे को इंग्लिश शो है। लेट्स सी, लेट्स क्रॉस द रोड। टिकट का दाम वैसे 100 रुपया है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। 250 सीट्स है, उसमें शायद 100 ही सीट अवेलेबल है, देखें कितना देख पाएंगे या दिखा पाएंगे। अगर टिकट मिल गया तो बी श्योर अंदर में ज़रूर ले जाऊंगा। टाइमिंग आपने देख भी लिया है, अच्छी टिकट मिलता है कि नहीं। बता देता हूँ, इट वॉज ओपन समथिंग अराउंड 1962-63 के बीच में, और जवाहरलाल नेहरू ने शायद इसका ओपनिंग किया था। और वापस एक बार दिखाता हूँ, इसका ऊपर का जो शेप है इट लुक्स लाइक सांची स्तूपा, तो उसी से इंस्पायर्ड है। ये बता मैं, बाकी लाइन लंबा लगा हुआ है, वेटिंग मास्क अप। আজকের শোয়ের নাম কি আছে? কসমিক কলিশন। কসমিক কলিশন। গট দ্য টিকিট, লেটস গো ফর দ্য শো, এন্ড শোজ নেম ইজ কসমিক কলিশন। রিচড ইনসাইড, ইয়ে কাল জায়েস কা হ্যায়, আর আজ সে নেই,
50 साल से ज्यादा हो चुका है इसको। कितने बड़े डोम है, उसके अंदर में शो चलेगा। अभी एकदम पूरा लीन बैक सीट है, ऊपर में क्या क्या दिखाएगा पता नहीं। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आके करना, नो पायरेसी, नो पायरेसी। ये जब हम लोग छोटा छोटा था आपके जितना, तब हम लोग आता था। पापा, ये सब क्या है? ये पीछे शो जो करता है उसका डायरेक्टर है, वो जैसे ऑपरेटर होता है वैसे वो उसको ऑपरेट करेगा। अभी आज दिखाएगा इसमें ब्लैक होल, कई सारे न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन, आपको देखना था ना, बहुत जबरदस्त है, देखो मजा आ जाएगा। 20 minutes late. मस्त अपने को आधा घंटा सो लिया, इसको देखना था, ये देख लिया, मजा इस पर आ गया पूरा। और अब चलते हैं बगल में एक और जगह है, वो दिखा। कितना बजे तक खुला रहता है? ऐसे तो मंडे टू फ्राइडे तक पूरा सुबह, मॉर्निंग से लेके शाम, मॉर्निंग से शाम तक खुला रहता है। और संडे खाली 3 बजे। तो टाइमिंग आपको पता लग ही गया, ये जगह अच्छा है। 3 बजे चर्च खुलेगा, चर्च के अंदर एक्चुअली दिखाना था बट धूप बहुत है यार। थोड़ा एक वॉक अराउंड दे देता हूँ सेंट पॉल कैथेड्रल का, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, कभी आओ तो देखना। बस थोड़ा सा पेंट का कमी है, पेंट अगर हो जाए तो ये जगह ज़बरदस्त है, देखना। इसका हिस्ट्री तो मेरे को उतना नहीं पता, बट पीछे एक स्टोन है उस पर हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिस वाज द फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय बिशप डैनियल विल्सन, और ये इसको ले किया गया था 1839 में, और इस चर्च का कंप्लीशन हुआ था इन 1847। तो उसका भी एक झलकी देखें। पॉज करके पढ़ लेना। के तो दर्शन अभी होंगे नहीं, लेकिन एक चीज और बताता हूँ, मेरा पर्स कहाँ है बेटा? डराता तू, मैं मेरे को वापस कहीं नहीं दिया। तो लॉर्ड जीसस के तो दर्शन हुए नहीं, बट आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ शादियाँ बहुत होती है, बंगाली शादी हो, क्रिश्चियन शादी हो, क्रिश्चियन तो ऑब्वियसली चर्च है तो शादी तो होगी, तो यहाँ एनी टाइम आपको ये देखने मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंदर पार्किंग भी है। तो जनरली क्या है कि मैदान साइड में पार्किंग अलाउड नहीं है, इन कलकत्ता जो रहते हैं उनको पता होगा, तो आप अंदर पार्क कर सकते हो, शायद चार्जेस लेता है, और चार्जेस लेता है तो बढ़िया है। और चार्जेस से याद आया, 10 रुपये एंट्री टिकट है, तो याद रखना। मेरे पास था नहीं खुदरा, तो इन्होंने 10 रुपये ही लेके छोड़ दिया, बोला बच्चा फ्री, बच गया 10 रुपये। चलो नेक्स्ट स्पॉट। Okay.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ कोलकाता हिस्ट्री विच इज़ विक्टोरिया मेमोरियल। तो अंदर जाने का मेरा एक रुपया भी मूड नहीं है, आपको कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। क्योंकि मैं अंदर नहीं जाने का सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, बैठे बैठे मेरे को अंदर ऑडिटोरियम में नींद आ रहा था, तो मैं घर जा करके सोऊंगा। आज का वीडियो यही ख़त्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको विक्टोरिया के बारे में बता देता हूँ। दिस इज़ नोन एज विक्टोरिया मेमोरियल। ऊपर मेरे फ्रेंड की दादी खड़ी है, ऊपर एक तो कोई मूर्ति है जो शायद एयर के कारण इधर उधर लेफ्ट राइट चेंज होता है। अंदर एक म्यूज़ियम है, अंदर जाने के लिए पहले तो यहाँ पर टिकट कटती है, फिर उसके बाद अंदर में एक और टिकट लगता है। म्यूज़ियम में मोस्ट प्रोबेबली आपके जितने भी इंपीरियल एज से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस दिख जाएंगे, फिर उसके बाद तलवार, तमंचा, बंदूक, पिस्तौल, तोप, ये सब रखा हुआ है अंदर में। प्लस एक अच्छा नक्काशी किया हुआ, अच्छा आर्ट किया हुआ, ये आपका क्या नाम है, क्वीन का थ्रोन है, वो देखने लायक है। अगर कभी आप अंदर जाओ तो ज़रूर देखना। मैं तो अंदर जाऊंगा नहीं, अंदर अभी दीवानी की स्पॉट हो गया है ये, अगर आपको समझ में आ गया है तो, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो 80% लड़का लड़की लोग जा कर के अंदर राइट, अगर आप सामने आपकी विक्टोरिया मेमोरियल है, राइट साइड कोना में जो पार्क है उसके अंदर यही चलता रहता है, इसलिए अपने जाएंगे नहीं। और सब तरफ वही चल रहा है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर में देखने लायक काफ़ी चीज़ अच्छी है। आर्ट बहुत अच्छा किया हुआ है, प्योर मार्बल, वाइट मार्बल। और एक सैंपल आप इसमें देख लो, क्या नाम है, जो दो गेट पे शेर बैठे हैं। प्योर वाइट मार्बल का है, मैं तो कितना ही बार गया हूँ, बाद में इसको ग्रुप के साथ लाएंगे तब जाएगा, तब का तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी मैं जाता हूँ घर सोने, आप भी जाओ चद्दर टान करके सो जाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलने का दरकार तो है नहीं, देख लेना। बाकी अगर कुछ मिलता है रास्ते में तो दिख जाएगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। थोड़ा का राइड करना हो तो ये मिल जाएगा। क्या नाम आपका? साहिर। क्या है मोबाइल नंबर? बोल मोबाइल नंबर। हाँ मोबाइल नंबर दे दो, बोल चला जाएगा, सब देखेगा आ जाएगा, तेरे को राइड करेगा, घूमेगा। All right, gather around the table, we'll give you a treat. Said people need to play with your life as we can. While we are playing.